नमस्ते लताज किचन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ। काजू कतली बहुत ही स्वादिष्ट इंडियन स्वीट है, इसे हम आसानी से घर में बना सकते हैं। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ काजू कतली। आइए देखते हैं काजू कतली बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी। काजू कतली बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होगी: 200 ग्राम्स काजू, 100 ग्राम्स चीनी, 2 छोटे चम्मच देसी घी, 2 बड़े चम्मच दूध, 1/4 कप पानी। आइए काजू कतली बनाना शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले हम काजू को पीसकर बारीक पाउडर बना लेंगे। इसके लिए हम मिक्सी लेंगे और मिक्सी के जार में काजू को डालेंगे। काजू को एकदम बारीक पीसना है। बीच में हम इसको चला देंगे। काजू पीस चुके हैं, अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। काजू का पाउडर तैयार है। अब एक प्लेट लेंगे और प्लेट में थोड़ा सा घी लगा देंगे। घी से हम प्लेट को चिकना कर देंगे। प्लेट को एक साइड रख देंगे। अब एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और इसमें चीनी डाल देंगे, पानी डाल देंगे, गैस ऑन करेंगे और इसकी लगभग 1.5 तार की हम चाशनी बनाएंगे। इसको हिलाते रहेंगे। चीनी घुल रही है और इसमें बड़े बबल आने लगे हैं। अभी हमारी चाशनी ट्रांसपेरेंट है। जब ये थोड़ी सी वाइट होने लगेगी तब हम गैस बंद कर देंगे। बबल्स वाइट होने लगे हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें दूध डाल देंगे। दूध डालकर मिला देंगे। अब हम इसमें काजू का पाउडर डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। काजू के पाउडर को सिरप में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिससे कोई गुठली ना रहे। अब नीचे गैस ऑन करेंगे। मिक्सचर को अच्छी तरह से हिलाते हुए पकाएंगे। गैस को मीडियम रखेंगे। काजू की कतली वैसे तो बिना फ्लेवर के भी बहुत अच्छी लगती है। काजू का टेस्ट ही अपने में बहुत अच्छा होता है। वैसे आप इसमें चाहें तो 1/4 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर या कुछ थ्रेड केसर के डाल सकते हैं। मिश्रण पैन को छोड़ने लगा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको 1 मिनट पैन में ही चलाएंगे। अब मिश्रण को हम घी लगी हुई प्लेट में निकाल देंगे। मिश्रण को कुछ ठंडा होने देंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसका डो बनाएंगे। मिश्रण हल्का गुनगुना है। अब हम हाथों के ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसका डो बनाएंगे।
अब एक किचन बोर्ड लेंगे और एक बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर के बीच में हम ये डो रखेंगे, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके इसको एक समान कर लेंगे। अब बटर पेपर से ढक के एक बेलन से हम इसको बेलेंगे। 1 सेंटीमीटर से कुछ कम मोटाई का हम इसको बेलेंगे। हमने इसको बेल लिया है, लगभग 1 सेंटीमीटर से कुछ कम मोटाई का हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसको एक प्लेट को पलट कर उसके ऊपर रखेंगे। अब हम एक तेज धार वाला चाकू लेंगे और उससे हम डायमंड शेप में काट लेंगे। अब हम इसको दूसरी साइड से काटेंगे। हम बर्फियों को मनपसंद साइज और शेप में काटेंगे। मैं वर्क लगाना पसंद नहीं करती, तो मैंने इसके ऊपर चांदी का वर्क नहीं लगाया। आप अगर पसंद करते हैं तो इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं। अब मैं कतलियों को प्लेट में निकाल लूंगी। ऐसे ही हम सारी कतली निकाल लेंगे। काजू कतली बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल या किसी भी स्पेशल ओकेजन पर बना सकते हैं। अपनी किटी पार्टी के लिए भी तैयार कर सकते हैं और रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। काजू कतली देखने के लिए आपका धन्यवाद।